आगे बढ़ते हैं, बुरहानपुर खंडवा खरगोन पर इंटेलिजेंस की नजर है। सिमी विचारधारा से जुड़े युवाओं को आईएसआईएस से जोड़ा जा रहा है, ऐसी खबरें हैं। युवाओं को भड़काकर चोरी छिपे ट्रेनिंग भी दी जा रही है सिमी की जमीन पर आईएसआईएस के साथ। JMBHUT तैयार कर रहा है अपना नेटवर्क। जबलपुर में आईएसआईएस नेटवर्क के खुलासे के बाद अलर्ट पर है एमपी पुलिस। आईएसआईएस इंडिया को साल 2050 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने का सपना देख रहा है। जबलपुर में आईएसआईएस नेटवर्क के खुलासे के बाद पुलिस अलर्ट है। बुरहानपुर खंडवा खरगोन पर इंटेलिजेंस की खास नजर। अब सिमी के गढ़ में आईएसआईएस सक्रिय है, अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता जितेंद्र, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से ऐसे हैं, कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर ये जो स्लीपर सेल है वो एक्टिव है, खासतौर से बुरहानपुर खंडवा खरगोन पर इंटेलिजेंस की अब खास नजर। बिल्कुल, अगर बात करें तो आईएसआईएस का जो नेटवर्क है उसे तोड़ने के लिए जो है एनआईए पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है। और पहले भी खंडवा, बुरहानपुर और जो खरगोन, ये सेंसिटिव इलाके रहे हैं, यहाँ पर पहले पैमाने पर सिमी का नेटवर्क रहा और सिमी का ही नया रूप जो है आईएसआईएस के नाम से आया, फिर जो है पीएफआई के नाम से आया और अब एचयूटी के नाम से, तो ये लोग नाम बदल रहे हैं मगर काम इनका एक ही है, दहशत फैलाना। तो कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर एनआईए इसकी पूछताछ कर रही है और उनसे जुड़े जो युवा हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो भटक चुके हैं रास्ते से, और उनकी तलाश की जा रही है, जिसमें जेएमबी से जुड़े हुए, एचयूटी से जुड़ा हुआ जो नेटवर्क है उसकी कहीं ना कहीं पड़ताल की जा रही है। बड़े पैमाने पर पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। जितेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।